नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन आज रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में 1500 नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। यह आयोजन राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में कल बड़ी घटना घटित हो गई, जहां भोले बाबा के सत्संग में अचानक भगदड़ मचने से वहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग घायल हो गए, जिनमें से 150 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार सरकार ने हाल ही में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पुल ढहने की घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बता दें कि बिहार में पिछले 13 दिनों के भीतर 6 पुल ढह गए हैं। दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जहां सीबीआई को 7 दिनों के अंदर जवाब देना होगा और उसके 2 दिन बाद केजरीवाल के वकील उनका प्रत्युत्तर देंगे। वहीं 17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग में इस बार अध्यापकों का वार्षिक कॉन्फिडेंस रिपोर्ट ऑनलाइन भरी जाएगी, ताकि विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति आदि की प्रक्रिया आसानी से तय समय से पूरी की जा सके, जहां ACR भरने के लिए पोर्टल खोल दिए गए हैं। हरियाणा विधानसभा में उप सचिव के पद पर चयन को अंतिम रूप देने पर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जहां अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। उत्तराखंड में टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था शुरू की जा रही है, के तहत शैक्षणिक गतिविधियों में व्यापक सुधार के लिए CBSE राजकीय विद्यालय के शिक्षकों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के समस्त विद्यालयों में माह में एक दिन बैग फ्री डे निर्धारित किया जाएगा। राज्य के मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था को लागू करने के लिए शीघ्र ही विभिन्न स्कूलों के बोर्डों के साथ अनुबंध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ CID ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां क्राइम अनुसंधान विभाग ने 1.40 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला अभियुक्त सुजीत कुमार को तेलंगाना पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। जांच में पता चला है कि उस पर झारखंड समेत 18 राज्यों में केस दर्ज है। केंद्र सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी, जहां केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहलाने वाला राजिम में राजीव लोचन कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति दी है। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रायपुर के पुरखौती मुक्तागन में कन्वेंशन सेंटर बनाने की भी मंजूरी दे दी है और 5 प्रमुख शक्ति पीठों को जोड़ने की भी मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जल्दी ही बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर सकती है, जहां मुख्य सचिव के साथ DGP के बदले जाने की खबर है। मुख्य सचिव के पद के लिए राजेश रजौरा का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। वहीं DGP के लिए सुधीर सक्सेना की जगह अजय शर्मा के साथ अरविंद कुमार का नाम चल रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, नीट मामले में संसद में 3 जुलाई को बहस का किया अनुरोध, 24 लाख छात्रों के भविष्य पर जताई चिंता। नीट और NTA परीक्षा में धांधली को लेकर आज इंडिया गठबंधन के छात्र संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इन छात्रों की मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराई जाए और भविष्य के लिए NTA को बंद कर दिया जाए। इसके साथ ही छात्र संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने की भी मांग करेंगे। आज से मोबाइल उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ पड़ने वाली है। दरअसल आज से जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ प्लान में 25% तक की वृद्धि कर सकती है, जिसका असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगी। यूपी की गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के मामले में अफजाल अंसारी की ओर से दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि अगर अफजाल की सजा बरकरार रही तो उसकी सांसद सदस्यता रद्द हो सकती है। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है।
इस सत्र में भजनलाल सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। वहीं विधानसभा सत्र से ठीक एक दिन पहले 2 जुलाई को सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जहां इस बैठक में मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर कई अहम फैसले लिए गए। बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज रामनगरी अयोध्या जाएंगे और सरयू नदी में स्नान करने के बाद अपनी प्रतिज्ञा वाला मुरेठा रामलला के चरणों में खोल देंगे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने मुरेठा को लेकर प्रतिज्ञा किया था कि जब तक तेजस्वी यादव की सरकार को बेदखल नहीं कर देंगे तब तक वो मुरेठा नहीं खोलेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने रांची स्थित अपने आवास पर राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर एवं सत्तारूढ़ गठबंधन के बड़े लीडर शामिल होंगे, जहां राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होगी और कई निर्णय भी लिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद ने सदन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर नेता प्रतिपक्ष और शिवसेना नेता अंबादास दानवे को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। दानवे पर विधान परिषद में चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रसाद लाड के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। राजकोट अग्निकांड केस में एसीबी को हैरान करने वाली चीजें बरामद हुई है, जहां एसीबी को टाउन प्लानिंग ऑफिसर के प्राइवेट ऑफिस से 3 करोड़ कैश और 15 करोड़ की कीमत वाली 22 किलो सोना मिला है, जिसकी कुल कीमत 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले एसीबी आरोपी मनसुख संगठिया की 10 करोड़ की संपत्ति पहले ही जब्त कर चुकी है, जिसमें 2 पेट्रोल पंप भी शामिल है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के निम्बाहेरा क्षेत्र में एक बारे पर छापा मारकर 263 किलो से अधिक डोडा चूरा जब्त किया। हालांकि टीम को देखकर इसके मालिक भागने में कामयाब रहे। हिमाचल प्रदेश की सत्ता पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के दावे किए थे। इन दावों में कुल 10 गारंटियां शामिल थी। इनमें से एक गारंटी बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराना था। इसके साथ ही सत्ता में रहे जयराम ठाकुर की ओर से 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त योजना की शुरुआत की गई थी, जो मौजूदा वक्त में भी जारी है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिल रहे मुफ्त बिजली योजना बंद करने की तैयारी में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 पाकिस्तान समर्थक समूहों को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने के सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है, जहां हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले 2 न्यायिक न्यायाधिकरणों ने यह फैसला सुनाया। इन दोनों संगठनों के नाम तहरीके हुर्रियत जम्मू और कश्मीर TEH है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस ने कोलकाता हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जहां इस मामले की आज सुनवाई हो सकती है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस कृष्णा राव की बेंच में होगी। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।